नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज में शेखर ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा निकालेगी कलश यात्रा। 1993 में गुना में आयोजित किए गए अश्वमेघ यज्ञ के 25 साल पूरे होने पर गायत्री शक्तिपीठ द्वारा मनाया जा रहा है रजत जयंती पर। इस उपलक्ष्य में आज गुना नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का समापन गायत्री मंदिर पर जाकर हुआ। कलश यात्रा में खास बात यह देखने को मिली कि यहाँ पर महिलाएं हाथों में तख्तियां लेके घूम रही थी। इन तख्तियों पर कुरीतियों के बारे में नारे लिखे हुए थे। हमारी गुना नगर में रखा गया है। आप सभी से निवेदन है विराट गायत्री महायज्ञ में उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। अपने घर परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ उपस्थित होकर नगर के धार्मिक भाइयों बहनों शांति को जनित द्वार के तत्वावधान में ये अश्वमेध यज्ञ जो गुना में हुआ था आज से 25 वर्ष पहले, उसकी रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा आज गायत्री शक्तिपीठ से निकली, जो हनुमान चौराहे, जयस्तम चौराहे होते हुए सदर बाजार और जगदीश कॉलोनी होती यज्ञ स्थल पर तक पहुँची। इसमें जो कार्यक्रम है वो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का कार्यक्रम है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की रजत जयंती हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें 108 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम है जो कल सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर तक चलेगा। इसके बाद यहाँ शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रवचन की व्यवस्था की है। साथ ही यहाँ भोजन व्यवस्था सारी व्यवस्थाएँ की हैं। साथ में यहाँ 7 प्रदर्शनी जो लगाई गई हैं, उस प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि युग बदल रहा है। पहले हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने आप से करनी होती है, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा सब कुछ। शांति कुंज परिवार द्वारा किया जा रहा है 108 कुंडी यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ की 25वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती महोत्सव के दौरान गुना शहर में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के द्वारा बुलाए गए विद्वानों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही समाज की बुराइयों को दूर कैसे किया जाए, इस हेतु यहाँ पर प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही है। आयोजकों ने बताया कि इस यज्ञ की तैयारियां पिछले 6 महीने से जारी है। गुना में आज से 25 साल पहले विराट अश्वमेध यज्ञ हुआ था और ये अश्वमेध यज्ञ दुनिया का 3रा अश्वमेध यज्ञ था। भारत में जो यज्ञ हुआ था गायत्री परिवार के द्वारा किया गया था, अश्वमेध यज्ञ था। आज 25 वर्ष इसके पूरे हो गए, इसलिए उसके उपलक्ष्य में ये अश्वमेध यज्ञ की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और यह श्रद्धा संवर्धन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। शांति कुंज के विद्वानों के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा और करीब 6 माह से इस यज्ञ की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। जैसा सभी भाई लोग, सभी बहनें लोग सतत काम कर रहे हैं। तो कल से ये प्रारंभ होगा, 3 तारीख को कलश यात्रा होगी, 4, 5, 6 को विराट गायत्री यज्ञ यहाँ संपन्न किया जाएगा। सुबह सारे संस्कार होंगे और शाम को शांति कुंज से आए हुए विद्वानों के द्वारा प्रवचन भी होगा। पीपलखेड़ी से उदयपुर जा रहे एक जीप का बीनागंज के समीप हुआ एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीपलखेड़ी से उदयपुर के लिए जा रही जीप में सवार 15 लोग उस समय एक्सीडेंट का शिकार हो गए जब बीनागंज मार्ग पर एक ट्रक ने अनियंत्रित गति से आकर इनमें भिड़ गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पट्टी लाग के होगा।
बोलेरो जी देसी बोलेरो बोलेरो नहीं हाँ। जी देसी जी तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ये वहाँ पर हुआ है गाँव नाम इधर है इधर पड़ता है बीनागंज के पास पड़ता है बीनागंज के बाहर से बोला तो किस चीज में काला पेड़ है काला पेड़ है हाँ हाँ इसके थोड़ी पहला किस चीज में हुई है टक्कर है किस चीज में टक्कर हुई है आपकी गाड़ी की कहाँ से बढ़ी गाड़ी देनी कहाँ से बढ़ गए ट्रक से हाँ कहाँ से ट्रक से ट्रक से बढ़ गए कितने लोग थे गाड़ी में ऐसा 15 सब घायल हैं हाँ घायल है वन विभाग द्वारा आयोजित की गई वन मंडल स्तरीय कार्यशाला एवं आम सभा संयुक्त वन प्रबंधन के सशक्तिकरण हेतु इस वन मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को यहां बुलवाया गया। इसका मकसद लोगों तक वन विभाग के कर्मचारी इन योजनाओं के बारे में जानकारी कैसे मुहैया कराएं यह बताना था ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। आज हमारे जो वन मंडल गुना में वन समिति है जो वनों की सुरक्षा के लिए सहयोग करी है करते हैं उनका आज कार्यशाला है और अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भी बुलवाए जो उनके विभाग में जो भी योजनाएं चल रही है उनकी जानकारी देने के लिए ताकि हमारे जो ग्रामीण लोग हैं समिति के लोग हैं उनको भी लाभ मिल सके इन सब उद्देश्यों को लेके हम लोगों ने यहाँ आज कार्यशाला क्या जानकारियाँ दी गई हैं आज वन विभाग की तरफ वन विभाग की जानकारियाँ दे रही कि अलग विभाग में जैसे तुम्हारे ट्राइबल विभाग में कौन सी योजना चल रही है और क्या सब्सिडी है ये दूसरा हमने कृषि विभाग को बुलाया तो कृषि विभाग में क्या क्या योजना चल रही तो उनकी जानकारी देने के लिए और वनों की सुरक्षा किस तरह से करना है ये सतत है हमने ग्राम वन समिति बना रखी हर साल हम उसकी कार्यशाला रखते हैं समझाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपकी योजना क्या क्या है जंगल के क्या लाभ है और आप लोगों को जंगल से क्या फ़ायदा है शासन ने आपके लिए क्या व्यवस्था रखी है उसमें ये सब चीज़ें उनको बताते हैं। पुण्य उदय क्षेत्र कमेटी बजरंगड़ दयोदय पशु केंद्र गुना एवं श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय समिति द्वारा गुना सिटी थाना के थाना प्रभारी विवेक अस्थाना को दी गई विदाई पार्टी जैन समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में अपना भरपूर योगदान देने के चलते इन समितियों द्वारा विवेक अस्थाना को सम्मानित किया गया साथ ही उन्हें विदाई भी दी गई। नहीं तो अभी तक ये होता था कि प्ले का आवेदन आने तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं क्या करेंगे रूटी देखते हैं लेकिन बहुत सहज भाव से तत्काल बड़ी कार्यकुशलता के साथ उसका काम पालन करके और समाज का अन्य लोगों का सहयोग करके चाहे किसी भी चाहे मीडिया कर्मी हो आपके किसी भी समाज से मिलो किसी भी वर्ग से मिलो कितने ही मदद करता मैंने अपने पिछले सेवा काल में कहीं पर नहीं देखी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ऐसा अच्छा शहर बहुत ही कर देंगे सर्विस के दौरान मिला जो हमेशा था जिंदगी मेरे हमें हमेशा जीवन में मेरे हृदय में रहेगी यहाँ इसके अलावा कुछ करना तो इस बात से भी हूँ कि मेरे को यहाँ पर हमारे अधिकारी भी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं मेरे कार्यकाल में ये चौथे एसपी साहब आए किसी जब मैं आया था किसी जन साहब थे फिर कृष्ण साहब फिर अमरनाथ सिंह साहब और अब हमारे निवेश अग्रवाल साहब और तो अधीनस्थ स्टाफी रहा वो भी बड़ा अच्छा फायदे का रहा जबकि यदि मैं उपस्थित हूँ तो बगैर मेरे पूछे हमने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाने अनजाने में कौन से छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं तो यहाँ की गंदा भी बहुत अच्छी है माफ़ कर देती है और सही पूछूँ तो जैन समाज को भी यहाँ से आने के पहले मैं इतना नजदीक से नहीं देख पाया ये बिल्कुल मेरे हृदय की बात है कि मैं बिल्कुल नजदीक से कभी इतना देख नहीं पाया कि इतने कठोर इनके व्रत रहते हैं इतना संयम रहता है साधु संतों से भी मैं जैन समाज के नहीं मिल पाया था लेकिन अब तो मेरे को मुखाग रहा था मैं पूर्णवती माता जी को जब भी देखता हूँ तो एक बिल्कुल आदर्श अब यही माता जी को एक तरह हमारे आदर्श है
इतनी सहज है और जब वो बोलती है तो शब्द उनके चुने हुए जो शब्द आते हैं बिल्कुल अंदर तक जाते हैं। वास्तविक जो संसार है क्या है, जो साथियों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं भी रहती थी तो बड़े उन्होंने जो चीज बताई उसका हमने पालन किया और निश्चित रूप से हमें समस्याओं से मुक्ति मिली। आपके जो भी आप बता रहे थे कि हम लोग मतलब मेरे द्वारा ऐसे उसमें इंतजाम किया सब कुछ नहीं है, जो कार्यक्रम हुए थे आपके पंच कल्याण हुए थे और बीच में और भी जो शोभा यात्रा वगैरह रहती थी, तो ये सब कार्यक्रम हम परिषदकारियों के निर्देशानुसार ड्यूटी करते हैं। लेकिन कोई भी ड्यूटी समय तभी होती है जबकि हमें आयोजनकर्ताओं का वहाँ की संस्थाओं का सहयोग मिले, तो वो जितना हम लोग अपेक्षित करते थे हमें भरपूर उसमें कहीं ज़्यादा सहयोग आपकी तरफ से मिला, इसलिए हमने ड्यूटी अच्छे से करी और बढ़िया से आप लोगों का भी नाम हुआ, पुरस्कार के नाम हुआ। ये बात सही है कि उस दौरान कोई भी इस तरह की घटना इतने बड़े जो इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक आती है जो घटनाओं की आशंका रहती है, निश्चित रूप से कोई भी घटना नहीं हुई। चाहे आपके नासिर जी का बीजी रोड वाले नासिर जी के कार्यक्रम अर्थात वो एक समुद्र टाइप का था कि कहाँ भी पब्लिक आ रही हम लोग खुद ही समझ में नहीं आता था। इधर धाकड़ कॉलोनी में जो वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इधर आपके प्रताप छात्रावास वाला कार्यक्रम हो, नारायणा गार्डन के बगल वाले कार्यक्रम, ये कई भी कार्यक्रम याद है, बड़े अच्छे से कार्यक्रम हुए, बड़े व्यवस्थित कार्यक्रम हुए आप लोगों की तरफ से। हम आप लोग जो बोल रहे हैं कि हमने आपकी बात सुनी बिल्कुल सही, लेकिन हमसे ज़्यादा आप लोगों ने हमारी बात मानी। हमने जैसा बोल दिया कि आपको जब उसको ऐसा करना है आपने उसको वैसा ही किया, हमें ये ड्यूटी चाहिए आपने वो करी, और आगे रहकर सबसे बड़ी चीज ड्यूटी के बाद पुलिस को थोड़ी बहुत जैसा सबका रहता है जो पापी पीट का सवाल जो रहता है, आपने व्यवस्था इतनी बढ़िया करी खाने पीने की वो भी कि आप लोगों ने बाहर का खाना खाया हुआ हम लोगों को आगे बोले नहीं, और बराबर सिपाही से लेकर जो बड़े अधिकारी हैं सबको उसी इज्जत के साथ आपने पूछा है और बड़े ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है कि किस प्रकार से हम अपने से दूर यहाँ जाने के लिए उन्हें शुभ भावनाएं दे रहे हैं। हम आपको विदाई नहीं दे रहे सर, ध्यान रखिएगा, हम आपको विदाई नहीं दे रहे हैं, हम आपको वो सभी आदेश पालन होते हमने स्वयं देखे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी का जो कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े कार्यक्रम में लेकिन गुना के अंदर आदरणीय है, आपको तो सब कुछ आपके पास जाता रहते हैं, लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक साइकिल से साइकिल नहीं रह पाई। पिपरौदा खुर्द में रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी जिससे घायल युवक थाने पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये दोनों रिश्तेदार आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे जिसमें एक अन्य व्यक्ति जगदीश ने जिसकी शिकायत दर्ज कराने जगदीश थाने पहुंचा। उसकी शिकायत वहां पर ठीक से लिखी नहीं हुई है जैसा कि जगदीश ने हमें बताया, जिसके बाद डायल 100 पर फोन करके उसे बुलाया गया। यह जगदीश की माने तो डायल 100 के ड्राइवर ने उल्टा जगदीश को ही यह कह दिया कि तेरी बहुत शिकायतें आ रही है और हम तेरे को ही लेने आए हैं। हालांकि जगदीश को जिला चिकित्सालय में लाया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। पलपल में फोन लगा रही, अब घर है माता नहीं नहीं बाबा अभी तो सवेरे तो मैं गई पहुंची ना घर पे, तो लगे लात है क्या रन में वो लगे फिर आ गया होगा जो गाड़ी हटी वहां। किस किस की लड़ाई हुई थी पहले? किसकी लड़ाई भाई थी, मतलब मेरी और साड़ू की हो रही थी आपस में, ठीक है, बाइक के चक्कर में, टैक्सी के चक्कर में। तो उसने मैंने जब बोला मैंने तू कोई से नहीं चलवा टैक्सी में, मैंने पैसे लगाए मैंने 6-7 हज़ार रुपये मैंने गिरे ऐसे, मैंने टैक्सी क्या कह रही वो हमने गाली मतलब बाहर चला पाए दे रहा गाली कौन देख कौन चला गाड़ी बाद एक लंगो में मैंने तो गो ना माकन छे वो तो माकन ने ना फैलत कच नहीं गई चिल्ला चोट हुई गाली गिनों से वो लट ले कर घर में आ गया। हम घर में घुस गए घर में बच के नहीं फिर हम बच के नहीं फिर हम रिपोर्ट करने चले गए। रिपोर्ट करने के गए हम थाने में रिपोर्ट करने गए और ना तो हमें रिपोर्ट ढंग से लिखी, हमने नाम लिखवाया वो भी रिपोर्ट सही नहीं लिखी उनने, हमने लिखवाया था नाम मेरी मैसेज ने लिखवाया। आप थाने से आए थे उसके बाद क्या हुआ? थाने से हम उसके बाद हम टैक्सी में घर पर गए
घर पे जान के नहीं, और वो हमें टैक्सी नहीं बंद करन दी ना उतरन दी। मेरी मिसेस को भी खींचा सबरन ने, तीन और मुंह खींच में जाग बचा के कर जान मुंह में लड़ गए। कौन कौन ने ये कौन कौन ने मां करने और नीरज ने, पूरा नीरज ने मेरा भी। तो आपने 100 डायल को फोन करा तो आपको से क्या बोल रहे थे 100 डायल वाले? कौन जे? हां सब नंबर वाले। हां कहीं ये गाड़ी गाड़ी फोन लगा रहे हैं, तेरी कंप्लेंट आ रहे हैं कहीं उल्टी कहीं। कौन कह रहा था ये? जे एक ड्राइवर। नगर में स्वच्छता हेतु नगर पालिका द्वारा शास्त्री पार्क के पास से हटाए गए अस्थायी दुकानें। शास्त्री पार्क के बाहर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से अस्थायी दुकानों को वहां से हटाया गया। इन दुकानों को जब वहां से हटाया जा रहा था तो दुकानदार विरोध करते भी नजर आए, किंतु नगर पालिका के कर्मचारियों ने समझा बुझा दिया। अब देखा जाएगा कि सौंदर्यीकरण की हवाला देते हुए जिस तरह से नगर पालिका ने इन अस्थायी दुकान वालों को वहां से हटाया है, क्या उसी तरह से यहां पर लगे बैनर और पोस्टर भी उतार पाएंगे या फिर से काबिज हो जाएंगे ये दुकान वाले? शिक्षा देने वाला ही निकला भगोड़ा। उक्त वाक्य किसी फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि गुना शहर में हुआ है उसका एक वक्तव्य है। शहर के नामी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक और शिक्षिका द्वारा गुना शहर के लोगों के साथ करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अचानक गायब हो गए। ऐसा कहना है इन दोनों शिक्षकों को पैसा देने वाले लोगों का, जिसकी शिकायत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ लोगों द्वारा की गई। आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। विगत 8 वर्षों से शहर के एक नामी गिरामी स्कूल यानी क्राइस्ट स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक और शिक्षिका ने गुना शहर की जनता को करोड़ों का चूना लगा दिया। बता दें कि इन दोनों शिक्षक और शिक्षिका का नाम सेजी एंटोनी और मैरी क्रिस्टिना है। इन दोनों दंपति का एक मकान भी जो कि वंदना कॉन्वेंट के पीछे स्थित है बहुत ही आलिशान बना हुआ है। साथ ही इनका एक फार्म हाउस जो कि हरिपुर रोड पर स्थित है वह भी लाखों की कीमत का है। इन दोनों ने इसी को दिखाते हुए लोगों को लगाया चूना। शिक्षक सजी एंटोनी एवं बेरी क्रिस्टिना जो कि पिछले 8 वर्षों से क्राइस्ट स्कूल में शिक्षण का कार्य करा रहे थे, जिसके चलते कई लोगों से उनके ताल्लुकात बढ़ गए। इन्हीं ताल्लुकातों का फायदा उठाते हुए इन्होंने कर्ज के रूप में करोड़ों रुपया लोगों से लिया, जिसके बदले में उन्होंने किसी को चेक, किसी को स्टैम्प तो किसी को हुंडी दे डाली। इसी के साथ ही इन्होंने वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को भी नहीं छोड़ा, उन लोगों से भी जिससे जैसा बन पड़ा वैसा पैसा ले लिया। इसी आशय की शिकायत लेकर आज करीब 1 दर्जन लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी आपबीती पुलिस अधीक्षक को सुनाई। अभी और कितने लोग हैं जिनसे इन लोगों ने पैसा ले रखा है इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिक्षक महोदय का मकान विंध्याचल कॉलोनी में था उस पर किसी एक कर्जदार ने कब्जा कर लिया है, साथ ही उनके फार्म हाउस पर भी कब्जा जमा लिया गया है। जब हमने इन दोनों शिक्षकों के बारे में जानने के लिए क्राइस्ट स्कूल के प्राचार्य फादर बाबू से बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते इलाज हेतु गुना से बाहर गए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने फादर को दी थी। अब सवाल ये उठता है कि यदि शिक्षक अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए बाहर गया है तो उसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है, साथ ही मकान और फार्म हाउस पर कर्जदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा
क्यों कर लिया गया। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन पिछले 8 दिनों से लोगों की जुबान पर केवल एक ही कहानी है कि आखिर मास्टर साहब गए तो गए कहां, क्या मास्टर वापस आएंगे और लोगों का पैसा लौटाएंगे या फिर वो छूमंतर हो गए हैं। ये तो समय ही बताएगा कि किस तरह से लोग अपना पैसा इन दोनों से वापस ले पाते हैं। मैं क्राइस्ट स्कूल में शिक्षिका हूँ और ये हमारे साथ ही 8-9 साल से दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पर थे। अभी उनका मकान बन रहा है, फार्म हाउस है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि थोड़े पैसों की ज़रूरत है, दिसंबर में मांगे थे तो प्रेम भाव में मैंने, उन्होंने कहा 1-2 महीने में दे दूंगा। मैंने दे दिए उनको, लेकिन वो लोग तो चले गए हैं। हमारा क्या नाम है इन दोनों का? इनका सजी एंथोनी और मैरी क्रिस्टीना। कितना पैसा लिया आपसे? मेरे से 2 लाख। आपके अलावा और भी टीचर होंगे आपके स्टाफ? हाँ, और भी टीचर्स हैं मेरे अलावा, सारिका रावत हैं, गुंजन। कितने टीचर्स से पैसा लिया? अब हमको 2-4 तो पता ही है कि इन्होंने से लिया है, इन्होंने बोला है कि हाँ हमसे लिया है पैसा। इनको फोन लगाने की कोशिश करी आपने भी? हाँ, फोन लगाने की कोशिश की है, सबसे बात हुई है, सब आवेदन देने एसपी के साथ हमारे साथ ही गए थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ से जो आपके पैसे? हाँ, इनको हम संडे से कंटिन्यूस फोन लगा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक क्राइस्ट स्कूल के टीचर हैं सजी सर, और उनकी मिसेस, दोनों ने जो है काफ़ी लोगों से चीटिंग की है, पैसा लेके गए हैं लोग, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख रुपए, और मेरा भी 2 लाख रुपए लेके गए हुए हैं। उसके चेक और उसकी लिखावड़ी उनकी मेरे पास है, और उनका भी कुछ भी नहीं पता है, ना स्कूल प्रशासन कुछ बता रहा है कि कहाँ गए हुए हैं, और ना किसी तरीके से कहीं भी कोई पता है। तो हम इसीलिए एसपी साहब के पास गए हुए थे कि उनकी कोई सूचना निकालें और उनके तरफ कोई कार्रवाई करके उनको वापस लेके आए। करीब कितना पैसा लेके गए होंगे? लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए करीबन लेके गए होंगे। ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन क्या बोल के लिए थे आपसे पैसे? बस दोस्त यारी में बोल के लिए थे, बोले 1-2 महीने में लौटा देंगे, मेरे मकान की फिनिशिंग का काम चल रहा है, मेरा लोन जैसे ही क्लियर होता है तो आपको आपका पैसा तुरंत वापस कर दूंगा। कहाँ जॉब करते थे? क्राइस्ट स्कूल में जॉब करते हैं ये, और अभी भी हैं जॉब पर, अभी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है क्राइस्ट स्कूल। कितने सालों से थे यहाँ पर? 9 साल से क्राइस्ट स्कूल में जॉब पर थे ये दोनों, पति पत्नी दोनों। और ये जो है आपके मिलेनियम आइसक्रीम वाली गली में, चौधन कॉलोनी में रहते हैं, और अभी भी उनके मकान का पूरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सूचना ऐसा सुनने में आ रहा है कि और लोगों के पैसे बहुत सारे लेके ये कहीं चंपत हो गए। 1 से 1.5 करोड़ रुपए करीबन ये लेके चंपत हुए हैं, और इससे ज्यादा भी निकल सकता है। कहाँ का शिकायत की आप लोगों ने? अभी हमने एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया है, और एडिशनल एसपी साहब ने बोला है कि इस पे कोई कार्रवाई हम करेंगे। क्या है कि मैं बसुए की दुकान का काम करता हूँ, तो मेरे से मकान बनाने के लिए बसुआ वगैरह, सीमेंट वगैरह मैंने इनको उधार दिलवा दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने जब इनसे पैसा मांगा तो मेरे से बोले कि मेरा ओरिएंटल बैंक से फाइनेंस है मकान, मेरा मकान का फिनिशिंग रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, तो आप मेरे को कैसे भी करके 2 लाख रुपए अरेंज कर दें कैश, तो मैं आपका जो मटेरियल का पैसा है और जो कैश पैसा, जैसे ही मेरे को 15 लाख रुपये का लास्ट किस्त मिलेगा फाइनेंस का, वो मैं तो आपको तुरंत आपको भुगतान कर दूंगा। मेरे बच्ची का शादी थी, उसका पैसा रखा हुआ था, 20 अप्रैल की शादी है, मैंने उनको पैसा दे दिया, उन्होंने मेरे को 1-4 तारीख का 2 लाख रुपए का चेक दिया था, बाकी पैसा 17 तारीख को देने का बोला था, उसको लेके यहाँ से चंपत हो गए, उनका कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। मेरे को जब सूचना मिली तो मैं एसपी साहब के पास कंप्लेंट करने आया। स्कूल में शिक्षक है, उन लोग रेजिग्नेशन नहीं दिया है, तो मिसेज का तबीयत खराब होने की वजह से उन लोग मेरे से फंड से छुट्टी मांगे थे, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वापस आएंगे कि नहीं। तो कब तक वापस आने की संभावना? वो अभी बताया नहीं है कि तक कब तक आएंगे, हम तो कल सोच रहे, कल 4 तो कल से स्कूल चालू है, परसों कल परसों तक आएंगे। मतलब आने वाले समय में अगर वापस नहीं आए, लोग बता रहे हैं यहाँ उनका पैसा वैसा लेके यहाँ से चंपत हो गए, मुझे नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं। राइटिंग में आपको एप्लीकेशन दिया छुट्टी का या? फोन से किया, अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से वो गिर गए बताए, तो जल्दी उनको भोपाल या इंदौर ले जाना है, बोल के फोन किए थे। आपको ये पता है उनकी प्रॉपर्टी में लोगों ने कब्जा कर लिया? मुझे नहीं मालूम, मुझे प्रॉपर्टी है क्या नहीं मालूम, उनको किराए में रहते थे उतना ही मुझे मालूम है। बाकी यहाँ संस्थान में शिक्षक थे दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों? दोनों शिक्षक थे। आप यहाँ 8 साल से लगे रहने वाले? कहाँ के? केरल के। केरल की। तो बाकी आपने जो भी जब नियुक्ति दी होगी यहाँ पर, तो बाकी अकाउंट वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने एजुकेशन वगैरह जो भी है ना, नियुक्ति आपने ही दी थी वहीं से? तो संस्थान से पहले से शिकायत करिए कि कुछ लोग उन्होंने पैसों का गबन किया है,
इसमें जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इन दोनों ने एक शासकीय बैंक से लोन ले रखा था जिसके तहत आरटीजीएस से पैसा भी जमा किया गया है। वहीं जो शिकायती आवेदन आज पुलिस अधीक्षक को दिया गया है उसमें बताया गया है कि ये दोनों दुबई की तरफ भाग गए हैं। अब कैसे पकड़ पाएगी इन्हें पुलिस ये तो समय ही बताएगा। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।